ये एक क्रिप्टो करेंसी है क्रिप्टो करेंसी क्या होता है और डिजिटल या तो वर्चुअल फॉर्म ऑफ करेंसी होता है जो कि डिजाइन टू एक्ट एज एन मनी ये क्या होता है इस तरह के जो पेमेंट जो बनता है इट इज़ अ कंट्रोल बाय अ वन पर्सन और अ ग्रुप uh, इसमें थर्ड पार्टी की इन्वॉलमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है uh, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि uh, जो uh, बिटकॉइन uh, में पब्लिक लेजर रिकॉर्ड्स जो भी हैं और जो भी ट्रांजेक्शन हैं उनके कॉपीज़ हैं दे आर हैविंग सर्वर्स अराउंड द वर्ल्ड तो ये जो ट्रांजेक्शन्स है और इस तरह का जो मतलब कॉपीज़ है जो भी इनके बिटकॉइन uh, से रिलेटेड हैं इन्हें एक तरह के डेटा बेस और लेजर में हम रिकॉर्ड करते हैं तो जिसके जो हम यहाँ जो रिकॉर्ड जो कर रहे हैं दैट इज़ एक्चुअली द ब्लॉक चेन विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक चेंज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा पेस की तरह और या तो लेजर की तरह यूज़ uh, होता है जो कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है uh, तो हमारा जो uh, पहला डिसेंट्रलाइज ब्लॉक चेंज था दैट वॉज़ गिवन बाई सतोषी नाकामोटो इन टू थाउजेंड एट Uh, इसमें क्या है अ ब्लॉक चेन इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बेस और अ लेजर दैट इज़ अ शेयर्ड अमंग द नोट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क द डेटा बेस स्टोर डेटा इन अ ब्लॉक दैट आर लिंक टुगेदर इन अ चेन तो जैसे कि मैंने आपको बताया है जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वर्चुअल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसका जो uh, क्या कहते हैं एक तरह का जो रिकॉर्ड है दैट आर बीन यू नो सेव्ड दैट इन फॉर्म ऑफ डेटा बेस और इलेजर के फॉर्म में ये एक तरह का कंप्यूटर नेटवर्क नोड है जहाँ पे डेटा बेस को स्टोर डेटा डेटा को स्टोर कर रहा है यहाँ पे क्या है ये एक दो जो भी यानी सिस्टम है दीज आर बे लिंक्ड टुगेदर इन अ फॉर्म ऑफ चेन एज अ डेटा बेस ब्लॉक चेन स्टोर इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक इन अ डिजिटल फॉर्मेट तो ब्लॉक चेन अलाउ अ ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन शेयरिंग विद इन अ बिजनेस नेटवर्क तो जैसा कि जो भी डेटा बेस है आ, ले, आ, क्या कर रहे हैं ब्लॉक चेन उन इंफॉर्मेशन को डिजिटली उनको स्टोर कर रहा है तो क्या है जो भी क्या कहते हैं डेटा इंफॉर्मेशन है दैट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ ट्रांसपेरेंट ठीक है विद इन अ बिज़नेस नेटवर्क फिर है कि ब्लॉक आर द बेस्ट नोन फॉर द रोल रोल इन अ क्रिप्टो करेंसी सिस्टम क्रिप्टो करेंसी जैसे मैंने आपको बताया एक तरह का वर्चुअल और डिजिटल सिस्टम है करेंसी uh, सिस्टम है जिसमें आपको थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है uh, uh, जैसा कि बिटकॉइन फॉर मेंटेन अ सिक्योर एंड रिकॉर्ड ऑफ़ अ ट्रांजेक्शन तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड uh, है दैट आर अंडर द अथॉरिटी ऑफ अ वन पर्सन और दल जो ऑफिसर्स या जो uh, होंगी उसमें अथॉरिटीज़ होंगी उनके ही uh, यानी उनके पास से वो सेफ रहेगा ठीक है नाओ और ट्रांजेक्शन आर परमानेंट एंड वेरिफिएबल मेकिंग इट इजी फॉर एन ओनर और अ कस्टमर टू व्यू ईच रिकॉर्ड ठीक है सो so, जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन ट्रांजेक्शन है वो पर्मांटो है और वेरीफिएबल है और यहाँ ये एक तरह का ईजी एक क्या कहते हैं कस्टमर को रिकॉर्ड रखने के लिए एक उसको अपने पास ओनर को कस्टमर इंफॉर्मेशन और जो भी रिकॉर्ड है दैट कैन बी सेव्ड हेयर ओनली तो जो ये ब्लॉकचेन प्रोसेस है दैट कंसिस्ट ऑफ द सर्टेन स्टेप और ये किस तरह से काम करें लेटस कम टू नो दैट हाउ द ब्लॉक चेन वर्क तो फर्स्ट इज़ एन अथराइड पार्टिसिपेंट इनपुट अ ट्रांजेक्शन विच मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड बाय द टेक्नोलॉजी तो हम सपोज कर लेते हैं कि मिस्टर ए वांट टू सेंड अ मनी टू मिस्टर बी तो वो क्या होगा कि अब जो ये यहाँ पे क्या है जो भी ट्रांजेक्शन है उसे हम ऑनलाइन ब्लॉक के नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है अब क्या हो रहा है कि मिस्टर ए क्या कर रहे हैं मिस्टर बी को मनी ट्रांसफ़र uh, कर रहे हैं तो जैसा कि पहला है कि एन ऑथोराइड पार्टिसिपिन इनपुट अ ट्रांजेक्शन विच मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड बाय द टेक्नोलॉजी यहाँ पे ऑथोराइड हम या जहाँ पे इनपुट ट्रांजेक्शन हो रहा है दैट इज ऑथेंटिकेटेड बाय द टेक्नोलॉजी देन एक्शन क्रिएट अ ब्लॉक दैट रिप्रेजेंटेंट द स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन और अ डेटा जैसे कि मैंने आपको बताया जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसे हम ब्लॉक के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है द एक्शन क्रिएटअ ब्लॉक जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसे हम ब्लॉक के नाम से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोई सी भी स्पेसिफिक जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको हम ब्लॉक के नाम से ही जाना जाएगा नाव जो ये ब्लॉक है जो ट्रांजेक्शन है नाव वी आर ऑलरेडी गिविन द नेम दैट इज अ ब्लॉक तो ब्लॉक इज अ सेंट टू एवरी कंप्यूटर नोट्स इन द नेटवर्क अब क्या है कि जो ब्लॉक है वो क्या हो रहा है ब्रॉडकास्ट कर रहा है जो भी मतलब उससे कनेक्टेड नेटवर्क जो भी हैं उससे वो आ, क्या कहते हैं ब्रॉडकास्ट कर रहा है दैट इज यानी आ, ना क्या जो भी ट्रांजेक्शन है वो जो भी कंप्यूटर नोड है टू द नेटवर्क दैट आर सेंडिंग दू नो ब्रॉडकास्टिंग टू द ईच एंड एवरी नेटवर्क दैट इज़ कनेक्टेड टू एट अब क्या हो रहा है कि अब जब ब्लॉग्स uh, को हमने ब्रॉडकास्ट कर दिया जो जो नेटवर्क उससे कनेक्टेड है अब क्या हो रहा है कि जो नेटवर्क है जो भी ऑथराइज यानी ऑथराइज नोड होगा वो क्या करेगा uh, वो उसे अप्रूव करेगा और दिखाएगा कि जो भी ट्रांजेक्शन है वो वेलिड है ठीक है जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ऑथराइज नोड वेरीफाइड the transaction and add to the block to the existing block blockchain तो जो भी authorized node है वो क्या करे अब इसको transaction को उसने verify कर लिया और उनको लग गया कि हाँ this is the right अब वो क्या करे ये जो block है उसको जो भी existing blockchain जो चला जा रहा है जो ये आ, chain बन रहा है उसमें क्या करेगा उसको add कर लेगा द अपडेट इज द डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द नेटवर्क विच फाइनालाइज द ट्रांजेक्शन अब ये क्या करेगा ये जो अपडेट है ये जो हुआ कि हमने एक ब्लॉक uh, को एड कर लिया है ब्लॉक चेन में अभी क्या होगा इसका जो अपडेट है हम uh, इसको uh, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और जो नेटवर्क जो कनेक्टेड है और फाइनलाइज द ट्रांजेक्शन का हाँ दिस इज द ट्रांजेक्शन दैट इज बीन डन तो अब क्या है ये जब फाइनलाइज uh, हो जा रहा है द द ब्लॉक दैट कैन बी एडेड टू द चेन विच प्रोवाइड द इंडेलिबल एंड ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड ऑफ अ ट्रांजेक्शन अब ये क्या हो गया जब ये वेरीफाई भी हो गया अब उसे हमने अपने चेन में uh, उसको ऐड कर लिया तो अब क्या हो रहा है जो मनी मिस्टर ए को बी को भेजना था नाउ इट गोज टू फ्रॉम द अब ये मूव क्या है मनी मूव फ्रॉम ए टू बी यहीं पे क्या हुआ कि जो मनी हम भेजना चाह रहे थे मिस्टर एस को यहीं पे क्या हो गया मनी क्या हो गया ए से बी के पास पहुंच गया तो दिस इज द हाउ द ब्लॉक चेन इज एक्चुअली वर्किंग आई होप यू और अंडरस्टैंड दिस पार्ट सो स्टूडेंट आई ऑलरेडी टोल यू द स्टेप्स हाउ द ब्लॉक चेन इज वर्किंग यहाँ पे ये यह जो हमारा डायग्राम uh, दिया गया है Uh, इसे आप इजिली यू कैन अंडरस्टैंड कि पहले स्टेप में क्या हुआ कि हम मिस्टर ए वॉन्ट टू सेंड अ मनी टू मिस्टर बी फिर क्या हुआ हमारा जो जैसा कि मैंने आपको बताया जो भी ट्रांजेक्शन इज टेकिंग प्लेस वी आर गिविंग अ ऑनलाइन नेम एज अ ब्लॉक अभी क्या है ब्लॉक इज ब्रॉडकास्ट टू एवरी पार्टी इन अ नेटवर्क स्टेप थ्री में आप देख रहे हैं कि जो ब्लॉक uh, है uh, जितने भी नेटवर्कस में उसमें ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं अब स्टेप फोर में आप देख सकते हैं कि ये जो देर इज़ अ ऑथराइज यू नोट जो कि इसको अप्रूव करेगा और बताएगा कि हाँ ट्रांजेक्शन इज़ वैलिड अब फिफ्थ स्टेप में क्या है द ब्लॉक दैट कैन बी एडेड टू द चेन अब क्या वो वो ब्लॉक अब चेन में एड हो गया है और ये एक तरह का इंडेलीबल और ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड है अब क्या हो गया जो लास्ट डेट यहाँ पे क्या होगा इन सिक्स स्टेप में क्या हो गया आपका जो मनी है वो Uh, moves from मिस्टर Mr A to Mr B. Application of a blockchain. तो हमारा जो blockchain है ये कहाँ कहाँ पे हम इसे use कर सकते हैं तो blockchain in a supply chain management. मैनेजमेंट तो uh, जैसे कि हम इमेजिन करें कि वी हैव यू नो certain ऑनलाइन शॉप ऑफ मोबाइल फोन तो हमें क्या है कि वी रिसीव द डिलीवरी यू फाइंड आउट द मोस्ट ऑफ द मोबाइल हैव ऑलरेडी बिकम सम में कुछ प्रॉब्लम कुछ हो रखा है यानी या तो टूटा हुआ आया है ना अब ये क्या है uh, क्या करें जो हमने uh, uh, मतलब मोबाइल मंगाया है uh, उसमें आपके स्क्रीन जो आपको मिली है दैट इज़ ब्रोकन तो अब जब हमने ऑनलाइन uh, से जैसे मंगाया उनसे हमने रिफंड के लिए बोला बट दे आर नॉट रेडी टू रिफंड दैट uh, तो अब आप क्या कर सकते हैं बट वॉट इफ द वे दैट द होल थिंग कुड हैव बीन एवॉयडेड ठीक है तो सच प्रॉब्लम कैन बी एवॉयडेड विद ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी ये एक तरह का फैसिलिटी दे रहा है ट्रेसिबिलिटी uh, है अक्रॉस द एंटायर सप्लाई चेन तो जो ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी है इट कैन बी हेल्प टू ट्रैक ऑल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन दट आर वेरी सिक्योर्ड एंड द ट्रांसपरेंट मैनर ठीक है देन वी हैव ब्लॉक चेन इन अ साइपर सिक्योरिटी तो साइपर सिक्योरिटी में हमारा क्या है कि इट्स uh, अने uh, एक तरह का ये साइबर uh, क्राइम्स जो होते हैं uh, आज कल अब सुनने में बहुत ही आ रहा है तो इट इज़ हेल्प ब्लॉक आर वेरी हेल्प इन साइबर सिक्योरिटी हमें ऐसे uh, में जैसे आजकल आप देखते हैं कि uh, आजकल जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं जो उसके ट्रांजेक्शन का जो भी डिटेल है वो एक तरह क्लाउड में स्टोर होता है तो जैसा कि डेटा आपके क्लाउड में ऑलरेडी अवेलेबल है तो ये बहुत ही पॉसिबिलिटी है कि हैकर जो होते हैं वो आपके जो ट्रांजेक्शन डिटेल हैं उसे क्लाउड uh, के थ्रू उनको पता चल सकता है एंड दे कैन ऑल्सो स्टील द मनी फ्रॉम दैट क्लाउड ऑल्सो तो करेंट सिस्टम में क्या है इंटरनेट इज़ अ यू नो नाउ इट्स बिकम अ वेरी वेरी मच यू नो रिगार्डिंग दैट द साइबर अटैक ठीक है तो इट लीड्स टू द यू नो फ्रॉड एंड द डेटा थेफ्ट तो ब्लॉकचेन भी यहाँ पे uh, क्या है कि ये जो एक तरह का साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड uh, कर रहा है uh, जैसे कि uh, मतलब अगर हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं सपोज uh, हमने कुछ सर्टेन अमाउंट दिया तो जो ब्लॉकचेन uh, चेन है इट इज़ प्रोवाइडिंग अ अपोर्टिंग प्रोवाइडिंग अबर सिक्योरिटी सिस्टम टू यू नो मैनी फॉर द मेनी ट्रांजेक्शन सिस्टम्स देन वी हैव ब्लॉक चेन इन वोटिंग तो नाउ वी कैन जस्ट सी लाइक इंडिया में तो आई डोंट नो इट्स बीइंग स्टार्टेड क्योंकि ब्लॉक चेन इन वोटिंग बट आई थिंक लाइक क्या है कि करंट uh, जो वोटिंग प्रोसेस है दैट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे क्या है uh, ये वोटर सबमिट दें वोटर आईडीज और जो भी इनके आईडीज होते हैं उनको वेरीफाई करते हैं उन्हें हम ईवीएम वी एम में स्टोर um, कर रहे हैं उनको सेव कर रहे हैं तो अब क्या है अब वोटर uh, क्या कर रहे हैं अपने वोट को सबमिट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आजकल बहुत सारे न्यूज़ आते हैं कि ई हैक हो गया बहुत सारे मैनिपुलेशन होते हैं कहा जाता है हाँ बट विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक चेन वी कैन मतलब हेल्प टू यू नो एवॉइड ऑल दोज काइंड ऑफ हैकिंग इन द ई वी एम मशीन्स ऑल्सो दैन अब हमारे पास लाइक ब्लॉक चेन इन अ फाइनेंशियल सर्विस है तो ब्लॉक चेन इन अ फाइनेंशियल सर्विस वी कैन यूज अ ब्लॉक चेन इन द फाइनेंशियल सर्विस ऑल्सो तो मैनी फाइनेंशियल सर्विस क्या है दे आर यूजिंग अ ब्लॉक चेन टू इम्प्रूव द बैक ऑफिस सेटलमेंट सिस्टम दे ऑल्सो इंक्रीज द एंड रिड्यूज द कॉस्ट तो ये अभी इंडिया के बैंक्स तो नहीं लेकिन जो फॉरेन के बैंक्स हैं लाइक यू बी एस हैव प्लान टू तो यूज़ द टोकन फॉर अ क्रॉस बॉर्दर ट्रेड्स वाइल द चैम्बर ऑफ डिजिटल कॉमर्स वॉज स्टैब्लिश टू एडुकेट एंड एडवोकेट फॉर अ ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी इन द फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री एंड द अब हम देख सकते हैं कि ब्लॉक चेन अब हम एक तरह का लॉयल्टी रिवॉर्ड्स प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हैं तो लॉलेिटी रिवॉर्ड्स आज कल रिवॉर्ड पॉइंट्स वी ऑल आर यू नो इट्स काइंड ऑफ वेरी फेमस लाइक यू आर गेटिंग द रिवॉर्ड्स इन द मैनी वेबसाइट दे वे ऑलरेडी प्रोवाइडिंग आप कोई भी शॉपिंग करें यू विल गेट अ रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑन दैट तो जैसे कि ये जो एक तरह का लॉलेटी uh, प्रोग्राम uh, जो है दे वेर यूजिंग द ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी यहाँ पे क्या है दे आर रिवॉर्डिंग द कस्टमर विद द टोकन रेदर देन अ गिफ्ट कार्ड ठीक है वो एक तरह का टोकन वो प्रोवाइड कर रहे हैं ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी का विद द टेक्नोलॉजी कंपनीज कैन कट डाउन ऑन अ कार्ड वेस्ड एंड पोटेंशियल फ्रॉड वाइल ऑल्सो अवॉर्डिंग द नीड ऑफ थर्ड पार्टी टू मैनेज द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नाओ वी हैव अ ब्लॉक चेन इन अ म्यूजिक तो जो ब्लॉक चेन म्यूजिक टेक्नोलॉजी है नाओ डेज वी आर इट हेल्प टू अटीम लाइन एंड मैनेज द कंटेंट क्रिएटिंग एंड द शेयरिंग लाइसेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिटल यूज पेमेंट एंड रॉयल्टीज फॉर द आर्टिस्ट ऑल्सो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये ब्लॉक चेन है ये इन दिस वे टेक्नोलॉजी है दे आर बी यूजिंग इन द म्यूजिक इंडस्ट्री इज ऑल्सो ठीक है दैट कैड भी मोर बेनिफिशल टू द टेक्नोलॉजी इन रिसे कमिंग ईयर्स ऑल्सो Then um, the master blockchain technology and sees the future. So, uh, uh, master blockchain technology, kya hua ki, uh, uh, you can see the blockchain technology is uh, about much and much more about the cryptocurrencies. Be, uh, they have a you know a great potential to secure the uh, process to ensure the secure the uh, transaction. और um, एक तरह का आपके सप्लाई चेन मैनेजमेंट और मास्टरिंग द ब्लॉक चेन कैन बी अ केम चेंजर फॉर द एनी करियर तो इन अ यू नो कमिंग यू नो इन अ फ्यूचर ये मान रहे हैं कि मास्टर ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी विल गेट टू अप टू द स्पीड ऑफ अ कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉक चेन एंड ट्रेन टू बिल्ड अ ब्लॉक चेन एप्लीकेशन मोर एंड मोर ओके सो दीज आर द एप्लीकेशन्स दैट हर वी ऑलरेडी सीन और देख सकते हैं कि किस तरह से ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी आर बी यूजिंग इन अ डिफरेंट फील्ड द एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉक चेन तो पहला हमारे जो ब्लॉक चेन एप्लीकेशन है दैट इज यूज इन अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट तो हम देख सकते हैं कि सपोज दैट कि हमने एक मोबाइल खरीदा uh, किसी ऑनलाइन शॉप से तो जब हमें मोबाइल व्हेन वी रिसीव जब वो डिलीवर हुआ तो हमें पता चला कि वो स्क्रीन ख़राब है अब क्या हुआ कि जो ऑनलाइन शॉप है वो क्या कर रहा है अब आपके पैसे वापस नहीं कर रहा है दे आर नॉट गिविंग योर मनी बैक तो इस तरह के जो इश्यूज आते हैं यहाँ पे क्या हो कि आपके जो भी आ, ये ब्लॉकचेन क्या टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है एक तरह का ट्रेसिबिलिटी आपको दे रहा है जहाँ पे आ, आपको जो भी यू एबल टू ट्रैक ऑल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन दैट यू हैव बीन मेड एंड दे आर सिक्योर्ड एंड द ट्रांसपेरेंट मैनर देन हमारा दूसरा जो टाइप uh, ऑफ uh, मतलब एप्लीकेशन दैट बीन यूज इन साइबर सिक्योरिटी तो uh, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि uh, जो भी हमारा ट्रांजेक्शन नाव डेज वी आर डूइंग दैट आज डिटेल्स आर स्टोर्ड इन अ क्लाउड ना हो क्या है कि जो भी डेटा अवेलेबल इन देर इज अ पॉसिबिलिटी कि दोज डेटा कैन बी सीन बाय द हैकर दे आर बी हैकर स्टील ऑल दोज मनी फ्राम दैट क्लाउड तो करंट सिस्टम में क्या है इंटरनेट इज द वन ऑफ द एरिया बहुत सारे इंटरनेट ट्रांजेक्शन आज कल हमें क्योंकि हम शॉपिंग कर रहे हैं हम आजकल इंटरनेट के थ्रू ही हम क्या करते हैं पैसे यहाँ से वहाँ ट्रांसफर भी कर रहे हैं तो जो भी आपका डेटा है वो ऑलरेडी क्लाउड में है हो सकता है हाँ, हैकर क्या करे दोज जो इंफॉर्मेशन है फ्रॉम टेकिंग दोज इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट हैक विल हैकर ऑल दोज ट्रांजेक्शन और आपके पैसे चुरा ले तो ये एक तरह का जो आ, हमारा ब्लॉक चेन है एक तरह का यू यू प्रोवाइडिंग यू नो you know, सिक्योरिंग दोज ट्रांजेक्शन जो आपके क्लाउड में सेव है देन वी हैव ब्लॉक चेन इन वोटिंग तो uh, आजकल हमारा uh, हमारे क्या हो गया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम्स आ गए हैं और uh, आजकल बहुत से बहुत सारी बातें चलते हैं कि हाँ ई वी एम हैक हो गया है तो अगर uh, जो हम क्या करते हैं कि जो वोटर क्या होता है वो अपने आई डीज़ को सबमिट कर आई uh, डीज़ को हम वेरीफाई करते फिर उन्हें हम सेंट्रलाइज ई वी एम सिस्टम में हम सबमिट करते हैं देन वी वोट तो ये है कि हैकर जो होते हैं दे कैन मैनिपुलेट द ई वी एम यू नो ई वी एम इंफॉर्मेशन और जो भी है uh, तो uh, ये एक तरह का मतलब सपोर्ट है यानी वोटिंग ब्लॉक चेन वे आर प्रोवाइडिंग अक्योर यू नो वोटिंग यू नो जो भी आप वोट कर रहे हैं उनके जो भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ बीन सिक्योर्ड विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी देन अब हमारे पास क्या है कि दैट ब्लॉक चेन का हम यूज़ uh, कर रहे हैं फाइनेंशियल सर्विस में तो बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विस हैं वो क्या कर रहे हैं ब्लॉक चेन का यूज़ कर रहे हैं टू इम्प्रूव द बैक ऑफिस सेटलमेंट सिस्टम ये क्या कर रहे हैं से एफिशियंसी और रिड्यूज़ द कॉस्ट तो अभी इंडिया के बैंक्स तो नहीं बट वी नो द बैंक्स लाइक यू बी एस हैज़ अ प्लान टू यूज अ टोकन फॉर द क्रॉस बॉर्डर ट्रेड वाय द चैम्बर ऑफ डिजिटल कॉमर्स वॉज स्टैब्लिश टू एजुकेट एंड एवकेट फॉर द ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी फॉर द फाइनेंशियल सर्विस ऑल्सो तो आप ब्लॉक चेन का फाइनेंशियल सर्विस में भी बहुत ही एक तरह का एफिशियंट और कम से कम कॉस्ट में यू कैन फाइंड अ सर्विस विन द ब्लॉक चेन इन अ फाइनेंशियल सर्विस देन वी हैव अ ब्लॉक चेन इन दॉलिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम्स तो बहुत सारे आजकल ई कॉमर्स साइट और जितने वेबसाइट्स हैं वो क्या करते हैं तो जो भी आप शॉपिंग करें उस पर आपको रिवॉर्ड फंडस दे रहे हैं तो ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है कि वो अपने कस्टमर को रिवॉर्ड की जगह एक तरह का टोकन गिफ्ट कर रहा है तो इससे क्या हो रहा है जो कंपनीज हैं जो भी कार्ड यूज़ uh, करे थे उसे उस वो वेस्ट नहीं होंगे और जो भी एक तरह का जो फ्रॉड होता था वो भी अवॉइड हो जाएगा देर इज़ अ नीड ऑफ और ऑल्सो जो हम थर्ड पार्टी का हेल्प uh, ले रहे थे टू मैनेजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो भी अवॉइड हो जाएगा देन वी हैव अ ब्लॉक चेन इन म्यूज़िक आजकल बहुत सारे म्यूज़िक्स um, और कंटेंट um, uh, Or uh, sharing licensing, the distribution, of digital use payment and royalties of the artist, RP. Then, so this is the blockchain? One uh, exploring to help the streamline and manage the content creating and the sharing licensing, distributing, digital use payment and the uh, royalties of the artist. Then, uh, last but not least, then we have a master block technology, and the see is the future. तो जो ब्लॉक चेन है इज मच एंड मच मोर अबाउट द क्रिप्टो करेंसी ये एक तरह का पोटेंशियल सिक्योर एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस को uh, uh, एक तरह का सिक्योर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन और रेवोल्यूशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए देता है तो uh, तो जैसा जैसा हम ब्लॉक चेन में मास्टरिंग uh, बढ़ाएंगे इसमें टेक्नोलॉजी विल बी इम्प्रूव तो एक तरह का ये गेम चेंजर होगा किसी भी करियर के लिए किसी भी फील्ड के लिए तो दैट वी कैन सी देर इज अ वी कैन से दैट इट बिकम अ मास्टर ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी और इट विल बी इम्प्लीमेंट लॉट ऑफ चेंज विल बी चेंज कम इन द फ्यूचर ऑल्सो फॉर सिक्योरिंग द ट्रांजेक्शन रिलेटेड थिंग्स सो दीज आर द ऑल द एप्लीकेशन ऑफ द ब्लॉक चेन चैलेंज इज इन अडोप्टिंग अ ब्लॉक चेन तो वैसे ब्लॉक चेन इतने वास्ट ऑफ एप्लीकेशन इज बी यूज इंग नाट इज तो देर इज समजेस ऑल्सो अडोप्टिंग दिज ब्लॉक चेन नावीज पहला है कि हमारे पास इनसेफिशियंट टेक्नोलॉजी है तो इनसेफिशियंट टेक्नोलॉजी हमारा क्या हुआ जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लॉक चेन इज अ मेजर चैलेंज इज इम्प्लीमेंटिंग द ब्लॉक चेन ऑलदो द् ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी हैज़ अ लॉट ऑफ पर स्टिल इट अ लैक ऑफ मैनी टेक्नोलॉजीज जो हमारे कोड है जो लूप होल है दे आर द वन ऑफ द सिग्निफिक पॉइंट इन दिस देन हमारा हो गया लो स् कैलेबिलिटी ये एक तरह का अनर द वन ऑफ द चैलेंज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ब्लॉक चेन इस कैलेबिलिटी इसमें क्या है कि ब्लॉक चेन है वर्क फाइम फॉर अ स्मॉल नंबर ऑफ यूजर बट जहाँ पे मार्स ऑफ यू नो यूजर्स आर बीन टेकिंग पार्टिसिपेंट तब ये एक तरह का प्रॉब्लम देट इज़ बीन क्रिएटेड इन दैट तो वैन द यूजर नंबर इंक्रीज इन द नेटवर्क द ट्रांजेक्शन टेक अ लॉन्गर टू प्रोसेस अब क्या होता है ट्रांजेक्शन क्योंकि अब टाइम लग रहा है ट्रांजेक्शन कॉस्ट हाइयर दैन यूजअल एंड ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट मोर यूजर ऑन द नेटवर्क Then uh, we have a high energy consumption. Energy consumption is another blockchain adoption talent. Most of the blockchain technology follows a Bitcoin infrastructure and use a proof of work. So here proof of work is not a great in look. To keep the system light it is need to uh, compute uh, computational power is been taken. Okay. Then we have uh, um, lack of privacy. The blockchain uh, and the privacy does not go really well with each other. Public ledger system fuel the system, so the full of privacy is not a full concern. Then we have uh, no regulation. Uh, this is the one of the main challenge of implementing a blockchain in organization. Many organizations are making a blockchain technology a mean of transaction. We will see that the uh, many product depend on this, but even now there are not specific regulation are being made. then we have a security problem. security is a crucial topic because also we know. every blockchain technology is needed a proper security. Uh, but like any other technology, blockchain comes with a few technology loops. so there is a uh, chances that it can be uh, attacked network by a uh, security flows to the network. Then we have lack of etiquette uh, skill set in addition to software and the hardware, uh, it is a fine qualified personnel to the manager blockchain. but uh, uh, it relatively it is a new and still it is going. So few people have the skill to support the such technology. Uh, then um, blockchain can be slow. the blockchain is a complex that's why it is more time to process any transaction. also, the encryption of the system made it much slower. so these are, and then we have a public perception. public uh, uh, perception. Mein kya hua ki, uh, ki, uh, another one of the huge challenge that is uh, adopting nowadays, that is a uh, lack of uh, knowledge you know, in a knowledge. Uh, they are still not aware of the uh, existing and the potential of the technology. So, if we want a blockchain to be successful, it has been an acceptance also. So, this is why we say the public uh, perception is not that uh, up to the mark. So, these are the you know uh, challenges that are adopting in a blockchain nowadays. I hope you like today's video. Please like and subscribe my channel. Thank you.